कैसे आता है तूफान, भाग चार। नमस्ते दोस्तों, आखिरकार बारिश का मौसम आ ही गया। मेरी बदलती दिशा, बदलता दाब, तापमान में बदलाव और भी कई कारणों से बारिश का ये सुहाना मौसम आता है। दोस्तों, बारिश किसी अच्छी नहीं लगती है ना? हर जगह हरियाली छा जाती है। गर्मी के बाद ठंडी हवाएं कितनी राहत देती हैं। किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करते हैं। बारिश के इस मौसम को मॉनसून भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि मॉनसून कैसे आता है? और कभी कभी मेरी गति बहुत तेज होने की वजह से तूफान भी आते हैं। क्या आपको इन तूफानों के बारे में पता है? आइए इस वीडियो की मदद से हम इन सवालों के उत्तर ढूंढते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं समझना कि मॉनसून और तूफान क्या होते हैं। आज तो बारिश की वजह से स्कूल से छुट्टी मिल गई। चलो बहुत सारी मस्ती करेंगे। बारिश में भीगेंगे, नाव चलाएंगे, गरम गरम पकोड़े खाएंगे। कितने काले बादल छा गए हैं। लगता है छाता निकालना ही पड़ेगा, बारिश बहुत तेज है। वह देखो, रामू काका और उनके साथ सारे किसान कैसे नाच रहे हैं अपने खेत में। हाँ, वह साल भर बारिश की प्रतीक्षा जो करते हैं। देखो तो मौसम भी कैसे बदलता है। कल तक गर्मी थी और आज तेज बारिश हो रही है। प्रकृति के भी कैसे कैसे चमत्कार हैं। गर्मी के बाद मॉनसून आता है। हाँ, लेकिन कितनी विचित्र सी बात है कि हर साल ठीक जून में मॉनसून हमारे देश में प्रवेश करता है। तुम्हारी तरह लेट लतीफ नहीं है। पर सोचने वाली बात तो है कि हर साल ठीक समय पर मॉनसून केरल के तटीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। दोस्तों, चलिए मैं आपको मॉनसून के बारे में समझाती हूँ। स्थल से हवा का समुद्र में जाना और समुद्र से स्थल की ओर आना, यह एक प्राकृतिक घटना है। जब स्थल से समुद्र की ओर हवा का बहाव होता है, उस समय वह शुष्क होती है। लेकिन जब सागर से हवा स्थल की तरफ जाती है तो वह गर्म होती है और वह वायु सागर की ओर जाकर ठंडी हो जाती है। ठंडी होने पर वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और जब यह स्थल की तरफ आती है तो दोबारा से गर्म हो जाती है। गर्म होने पर जल वाष्प वर्षा के रूप में गिरता है। यह पूरी प्रक्रिया ही मॉनसून का आना और जाना कहलाता है। कितने काले काले बादल छा गए हैं और बिजली भी कड़क रही है। मुझे तो बिजली की आवाज से बहुत डर लगता है। किसी दिन गिर गई तो? अरे डरपोक है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। जब दो पानी से भरे बादल टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है और इसी की वजह से बिजली चमकती है और हमें आवाज सुनाई देती है। हाँ दोस्तों, मीना कुछ हद तक सही कह रही है। बादलों के अंदर पानी के कण तेजी से घूमते हैं और आपस में टकराते हैं, तब बिजली पैदा होती है। मैं पूरी भीग गई हूँ। अगर अब जुकाम हो गया तो माँ से बहुत डांट पड़ेगी। मैं तो घर जा रही हूँ। अगर बारिश रुक गई तो शाम को मिलेंगे। पिंकी, खेलने आ रही हो क्या? बारिश रुक गई है। हाँ, आ रही हूँ। चलो नाव बनाते हैं। इन गड्ढों में पानी भर गया है, नाव चलाने में मजा आएगा। अरे यह देखो, ये पत्तियाँ कैसे अजीब से गोल आकार में उड़ रही हैं, जैसे कोई कीप हो। और देखो, मिट्टी भी साथ साथ उसी गोल से आकार में उड़ रही है। हाँ सच में, देखो फिर से बादल छा रहे हैं। लगता है तेज बारिश होने वाली है। हाँ, हवा भी तेज हो गई है। लगता है आंधी आने वाली है। बच्चों चलो अंदर आ जाओ, लगता है तेज आंधी आने वाली है।
चलो अंदर चलते हैं, मिट्टी मेरी आंखों में जा रही है। पिंकी थोड़ा पानी दे दो, प्यास लग रही है। अरे श्याम ध्यान से, ऐसा ना हो कि पानी की बोतल टूट जाए, फिर माँ बहुत गुस्सा होंगी। देखो जब मैं इस बोतल में पानी को हिलाता हूँ और फिर उल्टा करता हूँ तो पानी कैसे एक भंवर जैसे नीचे आ रहा है। दिखाओ मैं भी करके देखती हूँ। हाँ सच में ये तो उन पत्तियों जैसी ही एक कीप के आकार में गिर रहा है जो हमने अभी कुछ देर पहले बाहर देखी थी, वह भी ऐसे ही गोल गोल उड़ रही थी। हाँ मैंने बिल्कुल ऐसी ही एक तस्वीर विज्ञान की एक किताब में देखी थी, वह चक्रवात की तस्वीर थी। चक्रवात वह क्या होता है? मैंने पढ़ा था कि चक्रवात एक बहुत भयंकर तूफान होता है। हाँ दोस्तों चक्रवात एक तरह का तूफान होता है, कभी कभी तापमान अधिक होने के कारण गर्म वायु ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जाती है जिससे उस स्थान पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। वायु इस स्थान को भरने के लिए तेजी से आती है जिससे वायु की गति बहुत ही तेज हो जाती है। पृथ्वी की गति के कारण यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगती है। इस प्रकार वायु निम्न दाब के केंद्र बिंदु जिसे चक्रवात की आई या आंख कहते हैं उसके चारों ओर तेजी से चक्कर लगाने लगती है। आई या आंख में सबसे कम वायु दाब होता है, इस केंद्र बिंदु से हवा ऊपर की तरफ जाती है, इस प्रकार चक्रवात बनते हैं। बच्चों सुनो, रेडियो पर बता रहे हैं कि हमारे देश के पूर्वी राज्य उड़ीसा में चक्रवात आने की संभावना है। दादाजी क्या यह चक्रवात किसी और तूफान की तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ श्याम, एक आम तूफान और चक्रवात में काफी अंतर होता है। चक्रवात में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत भारी वर्षा होती है और क्योंकि यह ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में आते हैं इसीलिए समुद्र की लहरें भी बहुत ऊपर तक उठती हैं और इन्हीं सब कारणों से जान और माल का बहुत नुकसान होता है। चक्रवाती तूफान में तेज हवाएं चलती हैं, इससे मार्ग में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधे, घर, बिजली के खंभे इत्यादि चीजों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। चक्रवाती तूफान के साथ समुद्र का पानी भी आता है जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। सुनो बच्चों, रेडियो पर बता रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान आता है वहाँ के लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। संपर्क में रहने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन को पूरे चार्ज पर रखना चाहिए। मौसम की जानकारी के लिए आपको लगातार टीवी और रेडियो के संपर्क में रहना चाहिए। तूफान आने से पहले ही जरूरत वाली चीजों को एक प्लास्टिक बैग में रखना चाहिए। आपको एक इमरजेंसी किट को तैयार करना है। इस किट में सुरक्षित रहने का सामान होना आवश्यक है। पीने का पानी भर कर रखें। छोटे बच्चों की जरूरत की चीजों जैसे खाना और दवा को सदैव अपने साथ रखें। तूफान आने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लगता है कि बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी उड़ीसा के लोगों को। इसका मतलब है कि वर्षा हमेशा सुखदायी नहीं होती, वह कभी कभी अपने साथ अनेक समस्याएं भी लाती है। मुझे तो लगता है कि हमें चक्रवात से जुड़ी और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और आसपास के लोगों को भी चक्रवात से बचने की सुरक्षा जानकारी बतानी चाहिए। हाँ दोस्तों, तूफान जैसे कि चक्रवात, टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन बहुत खतरनाक तूफान होते हैं,
परंतु आजकल के उपग्रहों तथा रडार जैसे उन्नत तरीकों की मदद से इन तूफानों का पूर्वानुमान लग जाता है और आम जनता को आगाह कर दिया जाता है। आशा करते हैं कि आप सब भी अपने आसपास के लोगों को इनके बारे में जानकारी देंगे। किसी भी तूफान या चक्रवात के आने से पहले एक सुरक्षा योजना का होना बहुत आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। जल्द मिलेंगे।